शहर के सबसे बड़े बस स्टैंड ISBT का एयरपोर्ट की तर्ज पर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। बिल्डिंग को जमींदोज कर नए सिरे से बस स्टैंड बनाया जाएगा। शहर के सबसे बड़े बस स्टैंड ISBT का एयरपोर्ट की तर्ज पर निर्माण होने जा रहा है। बिल्डिंग को जमींदोज कर नए सिरे से बस स्टैंड बनाया जाएगा। शुक्रवार को लखनऊ से आए नोडल अधिकारी संजय सिंह ने ISBT और ईदगाह बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान नोडल अधिकारी संजय सिंह ने बस स्टैंड परिसर, ऑफिस, शौचालय के साथ बसों की व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। देखिए, पब्लिक प्लेस है और हजारों की संख्या में रोज आते जाते हैं, थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, लेकिन आगरा टीम काफ़ी मेहनत कर रही है सब चीज़ों के लिए और इसीलिए मैं आया भी हूं देखने के लिए कि ये जो लोग कह रहे हैं वो धरातल पे है कि नहीं। जैसे आपने देखा भी, बाथरूम वगैरह में जाके मैंने सारी चेकिंग की, खुद जाके देखा, यहाँ के जो पानी वानी पीता पीने के बाद बसों में भी गया, सुविधाएँ ठीक है, लेकिन चूँकि पब्लिक प्लेस है हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, जैसे हम लोग घरों में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, यहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी और अभी गर्मी के दिन है, देख रहे हैं मैं भी पसीने से तरबतर हूँ, तो जो कमियाँ होंगी हम दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से आए नोडल अधिकारी संजय सिंह का कहना है कि ISBT पर व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं, लेकिन कुछ कमियां तो हर जगह मिलती हैं। ISBT एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा, यहां मॉल बनाया जाएगा जिसे लोग सामान भी खरीद सकेंगे। बस स्टैंड पर यात्रियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बसों में सफर करने के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान यात्रियों ने बसों में AC न चलने की शिकायत नोडल अधिकारी से की। नोडल अधिकारी संजय सिंह ने चालक परिचालकों को AC चलाने के निर्देश दिए, जिससे यात्री गर्मी में अच्छी तरह से यात्रा कर सके। उस पर काम चल रहा है, MDS सर से भी सर के इंस्ट्रक्शन दिए गए, सारे कुछ बसें PP मॉडल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में इसको बिल्कुल 5-स्टार होटल टाइप के बनाने की तैयारी चल रही है कि ये कुछ वर्षों बाद अगर PP मोड में ले लिया लोगों ने तो आपको पूरा नज़ारा बदला हुआ दिखाई देगा। ये सरकार की नीति है कि इसको बहुत बढ़िया डेवलप किया जाए, और जब डेवलप करने का होता है कि साल भर 6 महीने में डेवलप हो जाएगा तो फिर अभी काम करेंगे तो पैसा वेस्ट जाएगा। निगम की कंडम हो चुकी बसों को विदा कर नई बसों की व्यवस्था की जा रही है। बसों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुरानी बसों को हटाकर नई बसों का संचालन किया जाएगा। जैसे जैसे नई बस मिलेंगी वैसे वैसे पुरानी बसों को स्क्रैप करा दिया जाएगा। आगरा जिले को भी नई बस मिलने जा रही है, इसके बाद यात्री आराम से सफर कर सकेंगे। ISBT ईदगाह और बिजली घर बस स्टैंड का नए सिरे से निर्माण होने जा रहा है। बताया गया है कि सबसे पहले बिजली घर बस स्टैंड पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।